सो गाइस वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो गाइस आज बात करने वाले हैं 2022 में आई ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा के बारे में। ये मूवी 2017 में बनी हुई सेम नाम से तमिल मूवी का रीमेक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मूवी में। एंड गाइस यहाँ पे जो दिखाया जाता है एक पुलिस ऑफिसर विक्रम और एक गैंगस्टर वेदा को, जहाँ पे विक्रम वेदा को पकड़ता है पर हर बार वेदा कोई न्यू स्टोरी सुनाता है और पुलिस ऑफिसर विक्रम को कंफ्यूज करके भाग जाता है। तो क्या होता है मूवी की स्टोरी, तो जानने के लिए पूरा वीडियो को देखना। तो आप देख रहे हैं एसएस एक्सप्लेन और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल एसएस एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है एंड फर्स्ट में तो हमें दिखाया जाता है राजा विक्रमादित्य को, जहाँ पे उसकी स्टोरी को बताया जाता है, जहाँ पे एक बार उनके राज्य में सूखे की वजह से लोग मर रहे थे। तभी उनके दरबार पे एक तांत्रिक आते हैं और वो बेताल को पकड़ने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो बेताल एक पर्वत में रहता था और वहाँ पर बेताल को पकड़ने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उनके राज्य में आई समस्या को दूर किया जा सकता है। पर बेताल को पकड़ना उतना आसान नहीं होता। विक्रम जब भी बेताल को पकड़ने जाता था हर बार बेताल एक न्यू स्टोरी सुना के बेताल को कंफ्यूज कर देता और वहाँ से वो भाग जाता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट सीन पे, जहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर विक्रम को और उनके टीम को, जहाँ पे उनके टीम पे दीपक की एंट्री होती है और जो एनकाउंटर से काफ़ी डरता था। इस टीम को बनाया गया था वेदा को पकड़ने के लिए और उसकी टीम को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद विक्रम को पता चलता है कि वेदा एक पुराने मॉल पे यहाँ पे छुपा हुआ है और इसी के लिए विक्रम वहाँ पे उनको पकड़ने के लिए और उनको मारने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे विक्रम और उनकी टीम अटैक कर देते हैं। यहाँ पे वेदा के सारे लोग मारे जाते हैं और यहाँ पे विक्रम को उनके खास आदमी मोनी मिलता है, जिससे विक्रम उसके पूछताछ करते हैं वेदा के हाइड आउट के बारे में कि कहाँ छुपा हुआ है। पर मोनी कुछ नहीं बताता और यहाँ पे विक्रम गुस्से में आके उसको भी शूट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे इस सीन पे और इस मॉल पे विक्रम से एक ऐसे पर्सन की मौत हो गई थी जिसके पास कोई वेपन नहीं था, मतलब वो कोई क्रिमिनल नहीं था और ना ही कोई गैंगस्टर से उनका लिंक था। तो यहाँ पे वो एक बेकसूर को मार दिया था पर विक्रम इसको हाइड करने के लिए वो एक फेक प्लान बताता है यहाँ पे एनकाउंटर का और उनके बाद एसबी को वो ऐसे फेक चीज़ हिसाब से बताता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे प्रिया को, जो यहाँ पे विक्रम की वाइफ होती है और उसके साथ वो एक लॉयर भी होती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि विक्रम के दोस्त अब्बास के बेटे को एलेक्स को अस्थमा की प्रॉब्लम है और जिससे विक्रम के दोस्त अब्बास काफ़ी दुखी था। उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे उसके बाद पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर बात होती है वेदा के बारे में, जहाँ में बताया जाता है कि कुछ साल पहले वेदा एक पॉलिटिशियन नेता को बीच में से चीर दिया था एंड उससे उसके बाद वेदा से सब डरने लगे थे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे भी विक्रम को बताता है कि मोनी का बेटा यहाँ पे छुपा हुआ है। विक्रम दीपक को लेके जाते हैं यहाँ पे उसके बेटे को पकड़ने के लिए और यहाँ पे जाके मोनी का बेटा विक्रम पे अटैक कर देता है क्योंकि उसने उसके बाप को मारा था। फिर उसके बाद विक्रम उसको कंट्रोल करता है और उसके एक वेब सेंटर में भेज देता है। इससे पहले भी वो कहीं बच्चों को यहाँ पे भेज चुका है, गुंडे के बेटे को वहाँ पर भेज चुका है क्योंकि वहाँ पर वो अपने बाप की तरह गुंडा ना बन के कोई अच्छा पर्सन बन आए और एक काम वो पहले भी कर चुका है। उसके बाद दीपक विक्रम को पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया क्योंकि वो तो मुनि के बेटे को मारने आया था। फिर उसके बाद विक्रम बताता है कि उसको पता है कि कौन पर्सन क्रिमिनल है और कौन मासूम और इसी के लिए वो हर रात चैन की नींद सो पाता है क्योंकि उसको पता होता है कि आज वो किसी मासूम को नहीं मारा। उसके बाद यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे एसीपी और मिनिस्टर को, जहाँ पे वो लोग विक्रम की टीम को बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग अपनी मनमर्जी से किसी को भी मार देते थे, ऐसा उनको एसीपी और उनको लगता है क्योंकि वो लोग। और हाल ही पे जो ओल्ड मिल पे जहाँ पे मुनि और उनके लोगों को मार दिया गया था और उसी के केस को लेके लोग और मीडिया उनके ऊपर सवाल कर रहे हैं और उसके बाद अब्बास इस केस को पूरे अपने सर पे ले लेते हैं और उसकी जिम्मेदारी पे ले लेते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है विक्रम और अब्बास यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पे अब्बास कहता है कि उसको पता नहीं कि उसने कितने आदमियों को मारा है और इसी की वजह से उसको अभी गिल्टी फील हो रही है। और यहाँ पे विक्रम बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी अब्बास बोलता है कि शायद इसी वजह से उसका बेटा एलेक्स को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है और वो ही सज़ा भुगत रहा है वहाँ पे, जिसको अब्बास के बेटों को यहाँ पे अस्थमा की प्रॉब्लम है। उसके बाद एसीपी पुलिस ऑफिसर विक्रम के पास आते हैं और वेदा को पकड़ने के लिए कहते हैं पर तभी वेदा वहाँ पर आते हैं और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर उसके बाद सरेंडर करने के बाद विक्रम के टीम के हर एक लोग
आते हैं और वेदा से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वेदा किसी के भी बात के आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके बाद यहाँ पे विक्रम आता है और उससे पूछताछ करता है, फिर उसको विक्रम उससे बात करता है और तभी वेदा उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वेदा को पता था कि उसके क्वेश्चन का आंसर सिर्फ विक्रम ही दे सकता है। फिर उसके बाद वहाँ पे वेदा एक उसको स्टोरी सुनाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहले की दिखाया जाता है, जहाँ पे वेदा एक गैंगस्टर परशुराम के अंडर काम करने के लिए आया था और उसके बाद परशुराम को पता चलता है कि उसके एक छोटे बच्चे को दूसरे गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया है और उसको बच्चे को छुड़ाना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ पे वेदा बताता है कि उस बच्चे को वापस लेके आ सकता है। तभी वहाँ पे सब हंसने लगते हैं क्योंकि वेदा वहाँ पे नया था और वेदा को साबित करने के लिए इस काम को करना ही था। तभी वेदा उसके टीम को लेके और कुछ साथियों को लेके यहाँ पे चला जाता है और उस गैंगस्टर से लड़ाई में उस बच्चे को छुड़ा के लाता है। और उसके बाद वो देखकर परशुराम वेदा से काफ़ी खुश होता है और वेदा को अपना खास आदमी बना लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है बबलू को, जो यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता है और यहाँ पे वो शहर के छोटे बच्चों की मदद से यहाँ पे ये धंधा चलाता था। और तभी वहाँ पे वेदा आता है और वो बबलू को वार्न करता है कि वो इस बच्चे और तभी यहाँ पे वेदा बबलू को वार्न करता है कि ये बच्चों से धंधा ना करवाए क्योंकि यहाँ पे वो उनको खतरा है। और तभी वेदा अपने भाई सदत के पास आता है और सदत को वो बोलता है कि वो इस धंधे के लिए काम ना करे क्योंकि वो अपना पढ़ाई में ध्यान दे। और यहाँ पे सदत मैथ पे काफ़ी अच्छा होता है और अपना सदत और वेदा को भी काफ़ी प्यार करता है और भाई को अपना प्यार और वेदा भी अपना भाई सदत को काफ़ी प्यार करता है। उसके बाद एक दिन पुलिस उनके एरिया पे आता है और तभी बबलू सारा माल छुपा देता है, पर छुपाने के तकत एक पैकेट उसके पास रह जाती है जहाँ पे वो पैकेट को छुपाने के लिए सदत को कहती है, पर सदत उसने भाई को मना करने से वो एक काम करने से बिल्कुल मना कर देता है। तभी वहाँ पे उसके साथ वो बचपन का जो दोस्त होती है चंदा, वो पैसों के लालच में वो एक काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपना पैकेट अपने बैग में रख लेती है। पर थोड़ी देर बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद वहाँ पे उसको पूछताछ करने पे सादत वो बता देती है कि बबलू ने उसको ये पैकेट दिया था छुपाने के लिए। और तभी पुलिस बबलू को पकड़ता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है। फिर उसके बाद उसकी अच्छी कुटाई करता है। फिर जब ये पुलिस स्टेशन से बबलू आता है तो उस शिवनाथ से जो ये ड्रग्स का धंधा का पूरा चलाता है वो उसको बता देता है कि इस बच्चे की वजह से वो लोग पकड़े गए थे। और उसके बाद शिवनाथ जो यहाँ पे इस धंधे का चलाता है वो बबलू को कहता है कि बच्चों को सजा दो जिससे वो अगेंस्ट यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ जाके काम ना करे। और तभी यहाँ पे बबलू एक लोहे गर्म लोहे का टुकड़ा लेके सादात के हाथ में घुसा देता है जिससे काफ़ी गहरा चोट उसको आ जाती है और इससे वेदा काफ़ी गुस्सा होता है। और गुस्सा होने के बाद वो विक्रम से क्वेश्चन करता है क्या भी उसको किसको सज़ा देना चाहिए, अपना भाई के साइड लेना चाहिए या शिव प्रसाद को सज़ा देना चाहिए। तो तभी यहाँ पे विक्रम सोचता है और वो यहाँ पे वेदा को बताता है को अपना भाई को साइड लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे वो बेकसूर था और सारा दोष यहाँ पे शिव प्रसाद का था। तभी वेदा हंस के बताता है कि उसने भी ऐसा ही किया, वो बड़े हैमर को लेके शिव प्रसाद के सर के टुकड़े कर दिए जिसके वहीं पे उसकी मौत हो गई। और तभी यहाँ पे उसकी लॉयर आ जाती है जो यहाँ पे विक्रम की वाइफ होती है। तो ये देख के विक्रम काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे उसी को केस ले को लिया था जो जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है। और यहाँ पे उसके बाद घर आके विक्रम अपनी वाइफ से पूछता है तो तुमने एक केस क्यों लिया जिसको पता है कि जो एक गैंगस्टर 17 मर्डर कर चुका है वो उसको बचाने के लिए क्यों कोशिश कर रही है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि वो सिर्फ केस लड़ रहा है, कोर्ट अपना सही और गलत का विचार कर लेगी। तभी यहाँ पे विक्रम को याद आता है कि उस ओल्ड मिल पे जो उन्होंने एनकाउंटर किया था वहाँ पे उसका एनकाउंटर पे उसका ये भाई सदक का मारा था क्योंकि उसके हाथ में एक निशान था। और उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक मिल के बाद और तभी विक्रम को कॉल आती है कि चंदन नाम की कोई लड़की यहाँ पे पुराने मॉल पे ड्रग डीलिंग करने वाली है और अब्बास वहाँ पे गया है इस केस को सुलझाने के लिए। और तभी यहाँ पे वो जाती है और ये चंदा कोई और नहीं सजत की छोटी बचपन की दोस्त चंदा होती है जो वेदा से लिंक होती है और वेदा की आदमी होती है, उसके लिए काम करती थी।
तभी वहाँ पे वो जाता है और विक्रम जाते जाते बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको चंदा की डेड बॉडी के साथ वहाँ के अब्बास की डेड बॉडी को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे अब्बास के सर पे गोली लगी थी जिसकी वजह से उसके मौत हुआ था। और यहाँ पे अब्बास की मौत की खबर वो काफ़ी साहस करके अब्बास की बीवी के पास जाती है और बोल देती है, जिससे वो बहुत रोने लगती है। तभी विक्रम की वाइफ जो वेदा की लॉयर है वो यहाँ पे प्रूफ देती है कि उसके मर्डर के टाइम वेदा एक मैरिज पार्टी में था, मतलब वहाँ पे वेदा के साथ वो वहाँ पे इस मर्डर का कोई लिंक नहीं था। तभी यहाँ पे विक्रम उसको तभी एक केस विक्रम से लेके यहाँ पे CID वाले को देने की बात होती है। तभी विक्रम बहुत गुस्सा होता है और उसकी टीम भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। तभी ऐसे भी यहाँ पे विक्रम को बताता है कि वेदा को पकड़ के उसको जल्दी से जल्दी मारने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी यहाँ पे विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए उसके वाइफ की बात सुन लेते हैं फ़ोन में, जहाँ पे यहाँ पे एक फाइल में साइन करनी होती है वेदा को एक फाइल में साइन करनी होती है। और तभी उसको पर लॉयर प्रिया को वेदा कहाँ पे है उसके बारे में पता नहीं था, पर यहाँ पे उसको फाइल कहाँ पे देना है, किसको देना है, ये ज़रूर पता था। तभी वो अपना गाड़ी लेके चली जाती है और वेदा को वो फाइल देने के लिए जाती है। उसके पीछा करती है विक्रम और उसकी टीम, पर उसको एक आदमी को प्रिया एक फाइल दे के चली जाती है। फिर उसके बाद वेदा को ढूंढने के लिए विक्रम उस आदमी के पास चली जाती है, जहाँ पे वो वहीं पे चली जाती है जहाँ पे वेदम छुपा हुआ था। फिर वहाँ से जब भी पता चलता है कि विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए आ रहा है, तो वेदा जल्दी से जल्दी वो एरिया छोड़ने के लिए कोशिश करती है, पर उसके सामने विक्रम आ जाता है और उन दोनों के बीच एक काफ़ी घमासान लड़ाई दिखाई जाती है, एक फाइट होती है। फिर उसके बाद विक्रम वेदा को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ आ जाती है और तभी वेदा वहीं पे सरेंडर कर देता है। पर विक्रम उसको लेके वहीं पे नहीं मारता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ आ गई थी, तो उसको लेके एक जंगल की तरफ आया था एंड उसको वेदा को वहीं पे ला के आया। फिर उसके बाद वेदा फिर से एक स्टोरी सुनाते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है बहुत दिन के पहले उन दोनों के भाइयों की, जहाँ पे वेदा अपने भाई से काफ़ी प्यार करता था। और उसके बाद उसकी भाई सादत वेदा को बताता है कि वो ये सब धंधा छोड़ के अच्छे काम के लिए चला आए, पर वेदा को ये सब अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद वेदा के भाई सादत ने 5 लाख रुपया वेदा से लिया और वो ऐसे लोगों को दिया जो अपने शॉप चलाने में काम करे, और वो अपना भी शॉप चलाने और उससे शॉप को चला के वो उस शॉप को बड़ा करा और उस पैसों को डबल कर दिया, जिससे वो ब्लैक मनी को वाइट कर दिया। सादत के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चंदा चाहती है कि सादत उसके साथ शादी करके यहाँ से दूर कहीं अकेले में रहे, पर सादत अपने भाई की वजह से वो ऐसा नहीं करना चाहता था। और तभी वो उससे भी मार देती है, पर थोड़ी देर बाद वो लोग कन्फेस कर लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे में प्यार करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वेदा को दिखाया जाता है जो मिलती है परशुराम से, जो वो पुराना गैंगस्टर होता है। और तभी परशुराम वो बोलता है कि तुम अगर पैसे को ब्लैक से वाइट कर रहते हो तो वो 1 करोड़ रुपया वेदा को देता है और उसको ब्लैक से वाइट करने के लिए कहता है। पर तभी वेदा उस पैसे को छुपाने के लिए अपने आदमियों से कह देता है, फिर वेदा के आदमी उस पैसे को छुपा देती है। फिर वहाँ पर बबलू कहता है कि सारा काम तो वेदा करता है, फिर वो 20% क्यों वो परशुराम को देता है, क्योंकि सारा काम और सारा तकलीफ तो वही उठाते हैं। तभी यहाँ पे वेदा बताते हैं कि उसकी लाइफ की सिक्योरिटी भी वही रखते हैं, तो इसीलिए अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए वो 20% वहाँ पे उसको देता है। तभी इससे सादत को पता चलता है कि उस पैसों ने वो चंदा के रूम पे रखा है, मतलब चंदा के घर पे उस 1 करोड़ रुपये को रखा हुआ है। तभी यहाँ पे सादत भाग के जाती है चंदा के घर पे और जाके वहाँ पे देखती है उसके घर पे चीज़ें अखरे बखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पे कहीं पे ब्लड के स्टेक पे दिखा हुआ है। तभी यहाँ पे सादत भाग के अपने भाई वेदा के पास आता है और कहता है कि किसी ने चंदा को किडनैप कर लिया है और सारा पैसा निकाल लेके चला गया है। और उसके बाद वेदा को लगता है कि ये काम परशुराम के आदमी रोहित ने किया होगा और तभी वो गुस्से में जाके वो सारे आदमी को मारने लगता है। फिर वहीं पर वो परशुराम कहता है कि उसके रोहित ने ऐसा भी कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चंदा कॉल करती है सादत को और वो बताती है वो इतना सारा पैसा कभी देखा नहीं था, इसलिए उसका नियत खराब हो गया था और वो पैसे लेके भाग गई थी। पर उसको अभी रियलाइज़ होता है कि वो सादत के बिना नहीं रह सकता और वो फिर से पैसे लेके आ रही है। और तभी वेदा यहाँ पे फिर से
और उसके बाद बेदा उस पैसों को लेके फिर से यहाँ पे आ जाती है परशुराम के पास और परशुराम को सारा पैसा लौटा देती है। फिर उसके बाद परशुराम कहते हैं कि वो चंदा को मार दे क्योंकि उसने वजह से उसका इज्जत ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे वेदा फिर से विक्रम को क्वेश्चन करता है को अभी वो किसके साइड लेगा, अपनी भाई की साइड लेगा या यहाँ पे परशुराम की साइड लेगा। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद विक्रम सोचता है और कहता है को अपने भाई की साइड ले क्योंकि वो बेकसूर था और सारा पैसा परशुराम दिया और उसकी वजह से ये लफड़ा हुआ। और तभी यहाँ पे विक्रम कहता है कि उसने भी ऐसा ही किया और इसकी वजह से वेदा के टीम और परशुराम की टीम के अंदर दोनों गैंगस्टर बात छिड़ गई। और उसके बाद वेदा विक्रम के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे वेदा विक्रम को मार के वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद विक्रम काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसको याद आता है कि उसके हाथों से एक बेकसूर की जान गई है। और उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक पुराने और उसके बाद विक्रम को पता चलता है कि जिसने भी इन्फॉर्म किया था अब्बास को वो कोई जानबूझ के उसको इन्फॉर्म किया था उसको मारने के लिए। और तभी उसके इन्फॉर्मेंट को ढूंढने के लिए विक्रम उसके एरिया में चला जाता है और एरिया में जाते जाते उसको ढूंढ लेता है। पर वहाँ पे जाते वो तभी उसको मारना था तभी देखता है कि उसको किसी ने मार दिया था और वो उसे लड़ाई के लिए कहता है। पर उसके टीम पर दीपक आता है और उसे भी मार देता है। और तभी विक्रम उसको लगता है कि वो इसको विक्रम को मारने वाला था तभी इसलिए विक्रम की सेफ्टी के लिए उसको मार देता है। प्रिया से मिलती है और उसको बोलती है कि उसको पता था कि विक्रम एक वक्त आके रुक जाएगा और इसलिए वो उसको एक कोट देती है, उसको एक शॉप में जाने के लिए कहता है। और यही बात प्रिया आके विक्रम को बताती है। फिर प्रिया बताती है और उसके बाद विक्रम वहाँ पे जाता है जिसके बाद यहाँ पे बात होती है वेदा से और वो बताता है कि उसको उसके भाई को किसी और ने नहीं यहाँ पे बबलू ने मारा था। और तभी यहाँ पे वेदा गुस्से में आती है और यहाँ पे बबलू के सारे आदमी को मार देता है और उसके सामने यहाँ पे वो उसको बबलू को मार देता है और विक्रम ये सब देख रहा होता है। उसके बाद विक्रम और वेदा आमने सामने होते हैं और विक्रम अपने वेदा को यहाँ पे गन पॉइंट करता है। और उसके बाद वेदा फिर से स्टोरी सुनाता है जहाँ पे वो दिखाता है कि जब उसके और परशुराम की गैंगस्टर बद हो गई थी और गैंगस्टर छिड़ गया था तभी यहाँ पे वो अपने भाई और चंदा को मुंबई भेज दिया था और वहीं पे वो उसको मिलने के लिए अपना भाई के साथ मिलने के लिए विक्रम वेदा भी गया हुआ था और जहाँ से वो AK-47 और कुछ गन वगैरह लेके आया था। और आने के बाद उसने उससे यहाँ पे परशुराम के सारे लोगों को मौत के घाट उठा दिया था। और मौत के घाट उठाने के बाद वो लड़ाई जीतने वाले होते हैं तभी परशुराम यहाँ पे अब्बास को कुछ पैसे दिया था और पैसे दे के यहाँ पे वेदा के आदमियों को मारने के लिए जिसकी वजह से यहाँ पे वेदा और पुलिस के बीच यहाँ पे एक लड़ाई हो जाए और जिससे वेदा भी मारा जाए। पर यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, वेदा वहाँ पे बच जाती है क्योंकि वेदा ने बताया था कि चंदा लेफ्टी थी और जहाँ पे उसको ओल्ड मिल पे उसके अब्बास और चंदा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे उसने देखा था कि राइट हैंड पे चंदा के हाथ पे गन दबा दिया था। मतलब उसको वो फोटो देख के पता चल गया था किसी ने पहले से चंदा को वहाँ पे पकड़ के उसके साथ टॉर्चर किया और क्योंकि उसको उस शहजाद को यहाँ पे मुंबई से यहाँ पे ला सके और उसके बाद उसको भी मार सके। पर यहाँ पे वो लोग चंदा को मारते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो अब्बास को भी मार देते हैं और चंदा के हाथ में वो रिवॉल्वर थमा देते हैं। पर वो लेफ्टी थी और यहाँ पे रिवॉल्वर उसके हाथ में दाएं हाथ पे दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे वो बताते हैं कि उसके टीम कोई और नहीं, यहाँ पे पुलिस ACP ने उसको मारा था। और उसके बाद ये बात ACP पे कन्फेस करते हैं और वो ACP के आमने सामने गन पॉइंट पे ले लेते हैं। पर यहाँ पे उन लोगों की टीम पे एक लड़ाई हो जाती है और जहाँ पे ACP के टीम और वो बाकी लोग जिसने बबलू से 50 लाख रुपया लिया था वेदा को टीम को मारने के लिए और वो लोग विक्रम के ऊपर हमला कर देते हैं। और सही टाइम पे वेदा एंट्री होती है और वेदा विक्रम के साइड लेके उसके टीम के साथ फाइट करती है और तभी यहाँ पे वो लोग ACP को मार देते हैं और विक्रम ACP को मारता है और तभी यहाँ पे विक्रम और वेदा आमने सामने हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और बाकी मूवी के एक्सप्लेनेशन और ऐसे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी के एक्सप्लेनेशन मिलने के लिए हमारे चैनल SS Explained को सब्सक्राइब करना मत भूलना।